ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटना घिसने की परेशानी में अक्सर मरीज को डॉक्टर के द्वारा ये बताया जाता है कि उसके घुटने की स्पेस में गैप कम हो गया है। तो गैप कम होने की वजह से जो दिक्कत आती है वो ये है कि जब घुटना मुड़ता है तो हड्डियाँ आपस में ज़्यादा रब होती हैं, ज़्यादा टकराती हैं, जिससे जॉइंट की आर्टिकुलर कार्टिलेज जो ऊपरी परत होती है वो ख़राब होने लगती है और फिर बहुत ज़्यादा दर्द घुटने में महसूस होने लगता है। दर्द ज़्यादा होने के कारण जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और खड़े होकर सिंपल से सिंपल काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप वो एक्सरसाइजेस जानेंगे जिससे इस गैप को वापस से नॉर्मल किया जा सकता है, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा सीवियर नहीं होगी और नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी से आप खुद को आगे बचा पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, एक्सरसाइज को अच्छे से समझें और फिर इन्हें आप घर पर रेगुलर करें। घुटने के गैप को बढ़ाने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है ट्रैक्शन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको जिस पैर में समस्या है उस पैर में वजन बांधकर बैठना है। अगर दोनों पैरों में है तो दोनों पैरों में वजन को बांधकर बैठना है और साथ में फिर पैर को धीरे धीरे छोटे छोटे सर्कल्स में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसा करने से एक अच्छी ट्रैक्शन फोर्स जॉइंट पर मिलेगी और जॉइंट का जो स्पेस कम हो गया है उसे नॉर्मल करने में भी हेल्प मिलेगी। इसे आप दिन में दो बार करिए और एक बारी में 15 मिनट के लिए करिए। ये एक्सरसाइज और आगे जो एक्सरसाइजेस अभी बताई जाएंगी उनसे पहले आप घुटने पर 10 से 15 मिनट के लिए हॉट पैक से सिकाई ले लें ताकि घुटने के पास की जो मांसपेशियां हैं और जो लिगामेंट हैं वो अच्छे से रिलैक्स हो जाएं और आपके जॉइंट को एक अच्छा ट्रैक्शन मिल पाए। दूसरी एक्सरसाइज में आपको एक टॉवल को इतना मोटा फोल्ड करके घुटने के पीछे लगाना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फिर टांग को अंदर की तरफ लेकर जाना है। एक बार फिर से समझते हैं, पहले टॉवल को घुटने के बीच में लगाना है और फिर इसके बाद टांग को अंदर की तरफ प्रेस करना है। ऐसा करने से नी जॉइंट की मीडियल साइड की हड्डी यानी अंदर की साइड की हड्डी वो जो आपस में जुड़ने लगती है वो ओपन होने लगेगी और रोल्ड टॉवल लगाने से आपके जॉइंट में एक अच्छा ट्रैक्शन आएगा। इस एक्सरसाइज को अगर डेली परफॉर्म करेंगे तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपका नी गैप बढ़ने लगेगा और जॉइंट के आसपास की मांसपेशियां और जो टाइट लिगामेंट हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को आप दिन में दो बार करिए और एक बारी में 9 से 10 बार रिपीट करिए। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि घुटना सिर्फ वहीं तक मोड़े, वहीं तक प्रेस करें जहां तक आपको दर्द ना हो। अब आगे जो एक्सरसाइजेस हैं वो नी जॉइंट के आसपास जो वीक मसल्स और लिगामेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हैं, उनमें ताकत लाने के लिए हैं। तो इसके लिए आपको घुटने के नीचे गोल तकिया या फोम रोलर को इस तरह रख लेना है और फिर पैर को सीधा करके और पंजे को अपनी तरफ खींचकर 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है। ऐसा करने से थाई की फ्रंट मसल जिसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं उसमें ताकत आएगी। ताकत आने से फिर आपको घुटने में दर्द से भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को आप पहले 15 दिन बिना वजन के करें और फिर इसके बाद लगभग आधा किलो के वजन के साथ करें। इसे भी दिन में दो बार करें और एक बारी में दोनों लेग्स के लिए 15-15 बार रिपीट करें। नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज में आपको सीधा लेटना है और एक टांग को मोड़ना है और दूसरी टांग जिसकी एक्सरसाइज करनी है उसे बिल्कुल सीधा रखना है। अब इसके बाद जो लेग सीधा है उसे थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमाते हुए सीधा ऊपर की ओर उठाना है। ऊपर आपको सिर्फ 30 डिग्री तक ही उठाना है, इससे ज़्यादा नहीं।
यहाँ 5 सेकंड्स तक आपको होल्ड करना है और फिर वापस पैर नीचे लेकर आना है। इसमें ध्यान रखें कि घुटना नहीं मोड़ना है, पैर बिल्कुल सीधा ऊपर उठना चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार करें और दोनों लेग्स के लिए 15-15 बार रिपीट करें। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन सभी एक्सरसाइजेस को करके आपको अपने घुटने के गैप को फिर से नॉर्मल करने में काफी मदद मिलेगी। थैंक यू।